दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है सेल योर लवली यूनिकॉइन। अब गाइस ऐसा मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा क्या बताने वाला हूँ लवली यूनिकॉइन के बारे में। अब गाइस बहुत सारे लोग लवली यूनिकॉइन का ये वाला पंप देख के इसके अंदर बहुत ज्यादा एंट्री ले लेंगे एंड वापस से जब ये डाउन जाएगा फिर कहेंगे कि लवली यूनिकॉइन स्कैम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लवली यूनिकॉइन इतना ज्यादा पंप कर क्यों रहे, उसका मेन रीजन है अगर आप लोग पूरी मार्केट देखो, ओवरऑल जो पूरी मार्केट है वो तो डाउन चल रही है, फिर लवली यूनिकॉइन का पंप करने का रीजन क्या है? ये तो कभी मार्केट के एकदम बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। लवली यूनिकॉइन अगर मार्केट डाउन जा रही है तो लवली यूनिकॉइन पंप हो रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि लवली यूनिकॉइन में काफी बड़ा पंप आया था, उसका रीजन था कि लवली यूनिकॉइन ने बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको पैसा दिया और लवली यूनिकॉइन को यहाँ पर पंप करा लिया। देखो अगर यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे यूट्यूबर देखने को मिल जाएंगे, तुर्की के और भी यहाँ पर अदर अदर कंट्री के जो यूट्यूबर है जिनके लाखों से सब्सक्राइबर है, 6 लाख 5 लाख इतने सब्सक्राइबर्स हैं जिनके चैनल पे एवरेज व्यूज करीब करीब 1.5 से 2 लाख आते हैं, उनको इन्होंने पैसा दिया, उनसे लवली यूनिकॉइन को प्रमोट कराया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक ये यूट्यूबर देख सकते हो, इनके 17 घंटे में 74,000 व्यूज आ गए थे सिर्फ लवली यूनिकॉइन के ऊपर और इनके सब्सक्राइबर पे अगर जाकर के देखोगे तो 5 लाख से ज्यादा है। और यही रीजन होता है क्योंकि ऑडियंस इनके ऊपर ट्रस्ट करती है, वो यहाँ पर आकर के फंस जाती है लवली यूनिकॉइन में, यहाँ पर एंट्री ली होगी। अब इनके कहने से लवली यूनिकॉइन में जब बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली तो लवली यूनिकॉइन पंप तो कर गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो अभी नए हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिनको नहीं पता है प्रॉफिट कब बुक करना है वो यहाँ पर ऑब्वियसली फंस जाएंगे और लवली यूनिकॉइन के हाई पे बाय कर लेंगे और जो बड़े व्हेल्स होते हैं वो उनको सेल करके निकल जाएंगे और लवली यूनिकॉइन वापस से डाउन आ जाएगा। एंड गाइस यही हो रहा है लवली यूनिकॉइन की, ये पहली बार नहीं है कि लवली यूनिकॉइन में हमने ऐसा कुछ देखा हो। अगर मैं चार्ट में आप लोगों को ऑल टाइम का इसका चार्ट यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर लवली यूनिकॉइन ने पहले भी कैसे किया है, तो यहाँ पर आप लोग ऑल टाइम का चार्ट देखो और ऑल टाइम के चार्ट में हमें सबसे पहले यहाँ पर पंप मिला, वापस से डाउन आया, फिर से पंप किया और फिर 1-1.5 साल तक यहाँ पर आप लोग देखो एक नीचे डाउन में चलता रहा, फिर से एक बड़ा पंप आया लवली यूनिकॉइन में और वापस से देखो कितना ज़्यादा डाउन चला गया और वापस से अब पंप करना स्टार्ट कर चुका है बिकॉज इन्होंने फिर से बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट किया। यहाँ पर भी बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट किया, 10 लिस्टिंग बता करके 7 लिस्टिंग करी और यहाँ पर अब 8 लिस्टिंग होने वाली है कॉइन crypto.com के ऊपर हो रही है। तो मैं अभी आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने इसको डाउन में बाय किया है या फिर थोड़ा अगर आप लोग 5-6% के लॉस में भी हो तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग सेल करके निकल जाओ, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे इसको बाय किया है तो आप लोग अभी यहाँ पर सेल मत करो बिकॉज यहाँ पर जब तक यहाँ ना जाए तब तक सेल मत करना अगर बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर हो, लेकिन अगर 5-6% के लॉस में हो तो निकल सकती हो लॉस में ही क्योंकि यहाँ पर लवली यूनिकॉइन में वापस से हमें एक बड़ा डंप देखने को मिलेगा। एंड गाइस ये वीडियो मेरी लाइव रहने वाली है, चाहे इसे आप लोग बाद में भी आके देख सकते हो जब ये डंप करेगा और बहुत तगड़ा डंप करेगा क्योंकि इसने अपना सारा जो भी ट्रस्ट था इसका लोगों के ऊपर, लोगों को जिस पे ट्रस्ट था वो इसने यहाँ पर पूरा खो दिया क्योंकि ये हर बार जो भी प्रोमिस करता है वो उनको पूरा नहीं करता। फिलहाल के टाइम पे ये यूट्यूबरों की वजह से ही प्रमोट हो रहा है एंड उन्होंने इसको इतना ज़्यादा पंप करा दिया जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल के टाइम पे जो भी अपडेट थी आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फिलहाल के टाइम पे एंट्री मत लेना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है एंड पैसा भी आपका है, लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द